सारी चीजें ऑर्गेनाइज की हैं, हम वहाँ लाइन से बात करते हैं। सामने को कैसे को बिल्कुल जी, थैंक यू लैला, बताइए आपने ये क्यूरेट किया, बड़ी जबरदस्त एग्जीबिशन है, हमने बड़ा मजा आया, काफी देर से हम यहाँ मौजूद है, हम सारे दिन बात करते हैं, लेकिन आप बताइए। सो मुझे सारे एक साल पहले मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आर्ट करता हूँ, ऐसे अच्छा दिखाएं फिर किस टाइप का आपका आर्ट है, और जब उन्होंने मुझे दिखाया ऐसे वाह ये तो बहुत जबरदस्त स्किल्ड आर्टिस्ट है, इनका काम तो दिखाना चाहिए। सो देन अबाउट कपल ऑफ मंथ्स बैक ये आए और मैंने डिसाइड किया इनका हम शो क्यूरेट करेंगे, और जो भी काम इनका था वो लेकर आए, उन्होंने मुझे दिखाया एंड इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल, इतना ज़बरदस्त स्टे है इनका, तो ऐसे इसको मैं अच्छे से क्यूरेट करूँगी। एंड क्या भैया पहले से कुछ इंस्पिरेशन क्या है, आप लोग बार बार करते हैं या पर्सनली टू आर्ट आप कुछ बनाते हैं कुछ डिज़ाइन? तो मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, मैंने आर्ट पढ़ा भी है और मैंने आर्ट सिखाया भी है बच्चों को, मैं सिखा रही थी, बट फॉर लॉन्ग टाइम मैं गैलरीज में इन्वॉल्व हूँ, आर्टिस्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ, आर्ट क्यूरेट कर रही हूँ, गैलरीज में क्यूरेट कर रही हूँ, लोगों के लिए आर्ट प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ ऑलवेज बिन माई पैशन। जैसे हम लोग पहले कहते थे ना, एक जगह होता था गली में कोने पर जहाँ फड्डे होते थे सारे, ये वो जगह है जो 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 आर्ट चौक जिसका नाम है, जहाँ खड्डे नहीं होते बल्कि आर्ट की महफिलें होती हैं जो कि ये लैला क्यूरेट करती है, तो ये इतना ज़बरदस्त एक एक स्पेस है, और इससे पहले ये क्लिफ्टन सेंटर के पास होता था कराची में, क्लिफ्टन सेंटर में होता था, और लैला बच्चों को भी सिखाती रही है, सैटरडे आर्ट स्टूडियो इनका होता था, और इनका तो आर्ट से चोरी दामक का साथ है, तो लैला ये आगे भी आप इस तरह से चीज़ें करने वाली हैं और भी? आई थिंक मुझे क्रिएशन में बहुत मज़ा आता है, अगर मुझे काम पसंद आए, आई कैन कनेक्ट विद द वर्क, देन आई फील एक्साइटेड टू क्यूरेट करना है उसको, मुझे दिखाना है लोगों को गैलरी में कैसे उसको डिस्प्ले करना है, उसका भी एक फन होता है, तो आई थिंक कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आई विल बी क्यूरेटिंग सम मोर शोज, आप लोग जरूर आइए फिर से। हमने आपको मिस से तारा शिकार के बारे में पूछना चाह रही थी, कौन सा फ्यूचर रेडियो? हां मैं आपको शो है सितारा और सैयारा पे, उस पे मैं चाहती हूं आप आए, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि अब की जनरेशन इससे बड़ा क्रिएट करी, और पहले जैसे कुछ में एक टाइम आया था कि ये बिल्कुल कहीं वैनिश था, राइट, अभी इट्स सो गुड टू सी यंग पीपल इन्वॉल्विंग इन आर्ट एंड क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शो में भी आए, और मुझे एक चीज़ जाननी है लैला, आपको कैसे पता चलता है कि ये वो शख्स है जिसकी आर्ट के अंदर बड़ा दम है और मैं इसकी एग्जीबिशन कर सकती हूँ? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आई थिंक कि जब आर्ट अब इतने सालों से मैं देख रही हूँ आर्ट, कि जब मैंने इनका काम देखा आई जस्ट न्यू कि इतना इसका स्किल है, इतना काम स्ट्रॉन्ग है, हर ड्राइंग का एक स्टेटमेंट है, एक इम्पैक्ट है, तो ही इज एन आर्टिस्ट हु शुड शो हिज वर्क। And I think on that note, Lala, I would like to tell you and ask you that हम चाहते हैं कि आपकी जब भी आर्ट एग्जीबिशन हो, हमारा चैनल सितारा और सैयारा का प्लेटफॉर्म है, आके उसको कवर करें और उसको प्रमोट करें जितना भी हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं हमारे लिए खुशनसीबी होगी और हमारे माशरे के लिए एक एक एलिमेंट अच्छा भी रहेगा, इसलिए इसको एक चैनल पर प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है, तो प्लीज़ हमें आपको भी बता सकते हैं, और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू अम्मा, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
का आदा, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, फिर से मौजूद सितारा और सैयारा के प्लेटफॉर्म में आपका। और इस बार हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं जिनकी आज हम एग्जीबिशन पे यहाँ पर आए हैं, सारे। सारे वहाँ पर मैंने बताइए अपने बारे में भी, अपने बैकग्राउंड के बारे में भी और आज के एग्जीबिशन के बारे में। अच्छा, बैकग्राउंड मेरा, मैं फिल्म में काम करता हूँ, हैंड ड्रॉन एनिमेशन खासतौर पर। यहाँ पे पाकिस्तान की पहली फिल्म बनी है हैंडमेड एनिमेशन के थ्रू, शीशा घर के नाम से, वो डायरेक्टर था उस्मान ने, उस्मान एनिमेशन स्टूडियोज की प्रोडक्शन। तो वहाँ पे मैंने शुरू किया था 17 साल की उम्र पर काम करना, और तो वहाँ तो ड्राइंग का फन तो बचपन से था मुझे, लेकिन ये प्रोफेशन में भी मेरा उसमें काफ़ी काम आया स्किल, और फिर इरादा हुआ कि शो भी करते हैं उसी काम। तो ये पहला शो है मेरा, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको ऐसा साथ ऐसे होगा जिससे आपको कोई ना पड़े। ऐसा सा पहला शो माजी, ये बातें कहाँ सुनने की मिलती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यंग मैन। ये उर्दू के जो तलफ़ है और लहजा है, जो बातें, ऐसा लगता है कि कोई शीरी बोल, शीरीनी बोल कर पिला रहा हूँ। हम नॉट श्योर ये बात इस जनरेशन के अंदर वाकई में, क्योंकि इंग्लिश का इतना कॉन्सेप्ट है कि हमको लगता है बड़ा शैलो बात हो जाएगी अगर हम करें। That's right. सारे कुछ ही बताएं कि आपने बचपन से ये सोचा था कि आप इस साइड पर आएंगे, या you had like some other plans in your life and then this was a switch? Planning तो इस लिहाज से कोई इतनी सख्त प्लानिंग तो मैं नहीं करता था। मेरे ख्याल से आप प्लानिंग जितनी भी कर लें, आप जो होना है वो होना है, तो आपके सामने जो काम है आप वो दिल से करें, कोशिश करें, तो वो अच्छा होगा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो चीज़ें आनी है वो अच्छी तरह हो जाएंगी। लेकिन ये तुक्की में तो नहीं होगा ना, ये तो आप सोच कर और आपका एक माइंड होगा टुवर्ड्स ड्रॉइंग। अनिल, लेकिन दोबारा तुक्के में नहीं, लेकिन ये एक चीज़ मैंने पकड़ी थी, अब मुझे ये नहीं पता था कि ये जब काम हो जाए मेरा तो फिर उसका क्या नतीजा होगा। मुझे बस ये ख्याल था कि मैं ये करूँगा, इसको दिल से करूँगा, अच्छी तरह करूँगा, फिर देखते हैं कि इसका क्या होता है। ये प्लानिंग इतनी कुछ खास नहीं की थी मैंने इसकी शुरू की। फैमिली सपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट मेरे ख्याल से ये एक चीज़, फैमिली सपोर्ट ही खास चीज़ होती है यहाँ पे, क्योंकि वो अगर ना मिले तो फिर करियर बने ना बने, काम बने ना बने, तो वो एक चीज़ थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों वाले बहन ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है, वो समझते थे कि हमारा जो बच्चा है वो मतलब आम बच्चा नहीं है, वो डिग्री पकड़ने में, डॉक्टर इंजीनियर बनाने में वो उसका एरिया नहीं, तो शुरू शुरू से वो जान गए थे कि ये मेरा, यही मेरा एरिया है और इसी में हम उसको इंकरेज करना चाहिए, तो बहुत कम नज़र आता है आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रही थी कि एक तो पीस बहुत मज़े के बने हैं जितने भी इनके यहाँ पे, इट्स अबाउट हैंड में, अभी आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे हम, लेकिन उसके साथ जो इन्होंने नाम दिए वो बड़े कमाल के हैं। फ्लो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, व्हाट इज अ फाइनल फ्लो, ये क्या है, मतलब दिस इज अमेजिंग, वी बीन थिंकिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, इसको आप बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, तो अगर आप शुरू में देखें तो दिस फर्स्ट पीसेस दैट हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हां यहां से, तो ये दूसरे कमरे में आ गए हम, लेकिन पहले वाले कमरे में जो भी काम है वो इसी, वो इसी ट्रेंड में आता है कि हम, हमारी बॉडी में जब क्या कहते हैं, टेंशन जब जमा बहुत हो जाती है तो उसके क्या नतीजे होते हैं, हमारी, हमारा कॉन्टैक्ट किस तरह से बदलता है, हमारा बात करने का अंदाज किस तरह से बदलता है, तो वो पूरा स्टेट जो होता है ना, वो मैंने इस सीरीज़ में थोड़ा उस स्टेट के अंदर से निकलने का क्या तरीका होता है वो मैंने इसमें बयान करने की कोशिश की है। तो हम शुरू हमेशा होते हैं जब हमारा रूटीन बहुत सख्त हो जाता है, या तो काम में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपका दिन जब दोबारा दोबारा एक ही तरह से गुजर रहा है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में एक तरह से एक टेंशन जमा होने लगती है। तो शुरू हम उस टेंशन से करते हैं, फिर उसको तोड़ने के लिए जो मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चीज़ होती है, जानने को कि हम कहीं फंसे हुए हैं, उसको एक्सेप्ट करना, फिर इरादा करना कि उसके उसको तोड़ने का क्या तरीका हो सकता है। तो हाथों का अलहदा होना उसका सबसे पहला स्टेप होता है। फिर हाथों का अलहदा होने के बाद थोड़ी देर हम उसको महसूस करते हैं कि भाई देखिए, इतने अरसों तक हम उस पोजिशन में थे, अब चूँकि हम अलहदा हो गए हैं, तो अब इस तरह से ज़िंदगी जीने का क्या मकसद है, उसका तरीका क्या होता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा हाथों को हल्का हल्का हिला के हमें थोड़ा ये अंदाज़ा होता है कि ये भी एक चीज़ हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं,
और फिर उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का हिल के हम उसके साथ फिर कोई नई चीज़ पैदा करवाते हैं और फिर इवेंचुअली हम फाइनल एंड में आते कि जो हमने ख्याल जो हमने प्रोसेस किए हैं उनके उनका नतीजा क्या हो सकता है। तो टेंशन को तोड़ने के बाद, थोड़ी नमनेस को बर्दाश्त करने के बाद, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद उसमें से निकलता क्या कुछ है, तब्दीली उसके लिए बहुत मतलब लाजमी चीज़ है। तब्दीली लाजमी चीज़ है। हमने कितनी खूबसूरत बातें उन्होंने की वहाँ के हाथों की जुम्बिश से स्टार्ट किया, हाथों की फॉर्मेशन, हाथों का स्टाइल। हम सब की जैसे कहते हैं ना, आंखें बातें करती हैं, इस तरीके से हमारे हाथ भी बातें करते हैं। अभी इस वक्त अभी आपके भी हाथ बात करें और आपके भी हाथ बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ फॉर्म में, वो आपकी माइंड भी बताती है। अच्छा, मजे की बात ये कि इसके अंदर सिर्फ हाथ नहीं है, पूरा प्रोसेस जो डिफाइन कर रहे हैं कि टेंशन कैसे निकलती है, फिर हाथ खोलते हैं एवरीथिंग। सारे मुझे ये जुम्बिश के बारे में बताएंगे, वो कुछ दरवेश की तरह का लग रहा है जैसे मेडिटेटिंग जब आप फ्री हो जाते हैं, यू नो दैट दिस इज द एसेंस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज इट? भाई देखिए, फ्री होना, अब यहाँ पे एक हद तक फॉर्म आपको नजर आ रहा है बॉडी का, लेकिन एक हद तक छुपा हुआ भी है एक्टिविटी के अंदर। तो उसके अंदर आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया था अभी, महव हो जाना, महसूस करना उस एलिमेंट में। और महव वो लफ्ज है उर्दू का खूबसूरत तरीन, जिसमें आपको ना मदहोश होते हैं ना होश में होते हैं आप, लेकिन आप महव होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक होते हैं आप। मुझे जो बोला आपने स्टार्ट किया, गालिब का वो शेर याद आ रहा था जी, वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने के नहीं हम कायल, रगों में दौड़ते फिरने कि नहीं हम कायल, जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या है, जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या। वो आपकी जो जो आर्ट वर्क है ना, उसमें मुझे शायरी भी दिख रही है और इसके अंदर भी खास तौर पे जैसे वहाँ चलते पूरी स्टोरी बयान हो रही है जिसमें। तो आपका भी कुछ ऐसा है एलिमेंट आता है जब हम बना रहे हो कि कहानी बयान कर रही हो हर एक आर्ट पीस? भाई कॉन्शियसली हो कॉन्शियसली ना हो, अच्छे हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि बल्कि मुझे खुशी भी हो रही है कि आपको वो चीज़ ज़ाहिर नहीं काम के अंदर। तो मतलब सब आर्टिस्ट का मतलब हमेशा एम यही होता है कि जो बंदा देख रहा हो उसको चीज़ें समझ आएंगे। आप हमें फिर बकिया का दिखाएंगे प्लीज़? हाँ प्लीज़ आइए। ठीक है, तो इसको ये वाले पीसेज और ये जो आपको अभी सीरीज दिखाई है ये उससे पहले आती है। टेंशन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बयान हुई या मैं चाहूँगा कि वो रही हैं, सबको दिखाया जाए। तो बॉडी जब आपकी बहुत टेंशन, आपकी बॉडी में जब बहुत टेंशन पैदा हो जाती है तो आपकी लैंग्वेज किस तरह से बदलती है। तो इन पीसेज में और इनसे जो सारी पहले जो पीसेज आती हैं वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर है कि बॉडी में जब टेंशन पैदा हो जाती है और काफ़ी अरसों तक रहती है तो बॉडी का अंदाज किस तरह से बदलता है, उसका दिखा किस तरह से बदलता है। तो ये उसके बारे में इन्होंने बात की टेंशन की और उससे पहले जुम्बिश की। तो मैं कहना चाहूँगा, फिर मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया और वो शेर इस तरह से है कि रहने दो सागर मीना मेरे आगे, रहने दो सागर मीना मेरे आगे, जो हाथ में जुम्बिश नहीं आँखों में तो जम है। तो गालिब ये कहते हैं कि हाथों में मेरी ताकत नहीं है, मतलब आई कैन नॉट इवन लिफ्ट द कप टू ड्रिंक, बट आई हैव पावर इन माई आईज, मैं आंखों से देख देख कर नहीं लूंगा। सो दिस इज व्हाट हिज पेंटिंग इज आल्सो एक्सप्लेनिंग इन अ मैनर वेयर बाय अगर आप विजुलाइज करें और देखने में जो बनाया गया और वैसे विजुलाइजेशन में व्हाटएवर यू वांट टू विजुलाइज इट, आप पहले डिसाइड करते हो आज आप इस चीज को बनाते हैं, इट कम्स नेचुरली टू यू? नहीं, पहले से डिसाइड तो कुछ नहीं होता, वो कुछ हल्का फुल्का होता है अंदाजा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आप कभी पहले से नहीं देख पाते हो। मेरे ख्याल से जो भी फंकार होते हैं वो ये होता ही नहीं है, खुद आप भी अगर हम खुद थोड़ा सरप्राइज होते हैं। आप की बात अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको कोई बात कही जाए या कोई शेर कोई स्टोरी बताई जाए तो उसको आप डिपिक्ट कर सकोगे? कोई शेर अगर मुझे बताया गया तो मैं ये चीज़ कभी नहीं डिपिक्ट कर पाऊंगा कि जो शायर हैं उनका क्या मतलब था वो उसके अंदर। मेरे जहन में जो तो मेरा मतलब एफर्ट ये होगा कि मैं उसको अच्छी तरह से करूँ, लेकिन जो शायर के दिमाग में जो था जो वो बात बयान करना चाह रहे हैं
वो मैं कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर हमेशा मेरा कोई निशान होगा, मेरी कोई निशानी होगी। तो ऐस अगर उसको रिप्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो वो कोई आई कैन एड समथिंग। देखिए मैंने कोई अगर खूबसूरत शायर सुनी है तो मेरे अंदर जो भी चलता है, मेरे जो ख्याल आते हैं वो उस शायर के मायने से मिलके फिर जब मैं कोई चीज़ निकालूंगा उसको, तो फिर उसमें मेरा और शायर दोनों का बात नहीं है। ठीक है, तो अब यही होता है। अब ये भी होता है कि जो भी आर्टिस्ट कोई भी चीज़ बनाता है वो कभी वैक्यूम अकेले अकेले नहीं बनती, हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होती है। अब जहाँ हम उसको जाने ना जाने, उसको हम आर्टिकुलेट कर पाएँ ना कर पाएँ, उसको क्रेडिट दे पाएँ ना दे पाएँ, होता तो हमेशा है। जो बंदा आपसे आके बोले कि सिर्फ मेरा क्रिएटिव है, कोई नहीं, आपने कोई चीज़ देखी है सुनी है जिससे आपको भी जज्बा पैदा हुआ है, फिर आप उसको भी सुनता है। जी तो ये था आर्ट शो और ये है सारे। इसके साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो और हमारे मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार अच्छा लगा हो। इसी के साथ सतारा और सियारा से हमको इजाज़त दीजिए। नवीद फारूकी आपने किफायत, नवीद साहब कुछ कहना चाहते हैं? हमेशा की तरह रैप ये नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ लफ्ज़ सुनना चाहते हैं सारे, प्लीज़ कुछ बोलिए आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जो आर्ट देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ओपन माइंड रखिए, ओपन माइंड रखिए, ओपन माइंड के बगैर कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, कोई नए ख्याल पैदा नहीं होंगे। और अगर हम एक ही चीज़ देख रहे होंगे ज़िंदगी में तो फिर जीने का कोई मकसद नहीं, तो ओपन माइंड रखिए। जी सर, आप हमारा चैनल वो बातें देने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए यहाँ पे काम दिखाने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत कम प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे शोज पे आते हैं बातें सुनने के लिए, काम देखने के लिए। तो फिर ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू, आई थिंक यू डूइंग अमेजिंग वर्क और इंशाल्लाह विल सी यू अगेन। थैंक यू। हाँ सारे, मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा करना चाहूँगी, वो ये कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये एक आंख होती है जो दूसरे को पहचानती है। यू नेवर नो कल तक ब्रिलियंट कहीं पे भी नहीं था, नाउ ही इज अ बिग नेम, सो लाइक लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। तो हमारी कुछ नसीब है कि आपने टाइम दिया हमें। और आप ये बिल्कुल सही कह रही हूँ सारे, मैं आपको बताऊँ इंट्रोडक्शन आपको नहीं है, ये बहुत छोटी थी 4 साल पहले, अभी भी बहुत छोटी है लेकिन मतलब कल में वैसे छोटी है, उम्र में छोटी है लेकिन वैसे अभी बहुत बड़ी बन रही है स्टार माशाल्लाह से, शी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस एंड शी इज डन। लेकिन ये इनका कहने का मतलब ये है कि जब पहले भी ऐसे थी और आज भी ऐसी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर बड़े शहर में बन जाए तो आप भी ऐसे जिनका हाथ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके आर्ट को मज़ीद आपको इन्वॉल्व करने में, आपको किसी भी एंगल में हेल्प किया, उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको याद जरूर, क्योंकि उनके बगैर हम नहीं पहुँच सकते। थैंक यू सारे, थैंक यू वेरी मच। वो बातें तेरी चैनल से नहीं फॉलो की कहा था।